दोस्तों मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल टॉक विथ मी में एक बार पुनः एक नई जानकारी एक नई आइडिया के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और अपने चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज मैं ऐसे शहर के बारे में बात कर रहा हूं जो अपने सेक्टर की अपने फील्ड की लीडर है और इसकी डिमांड कई दर्शकों ने कमेंट बॉक्स में भी की थी और हमारे कुछ मित्रों का जो हमसे जुड़े हुए हैं पहले से उनका फ़ोन भी आया था। दोस्तों इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जो स्क्रीन पे डिस्क्लेमर है उसको पढ़ के ही आगे बढ़े ताकि कोई मिस अंडरस्टैंडिंग ना हो, मिस कम्युनिकेशन ना हो। दोस्तों अगर जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि उनको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर लाइक कमेंट जरूर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा ताकि मेरा हौसला बढ़े। दोस्तों एक और गुजारिश करना चाहूँगा कि वीडियो शुरू से अंत तक देखें क्योंकि पैसा भी आपका है, प्रॉफिट भी आपका है और लॉस भी आपका है, इसलिए जानकारी भी आपको होनी चाहिए सही और पूरी जानकारी। इसलिए वीडियो शुरू से अंत तक देखें, बिना स्किप किए हुए देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ स्कीपर लिमिटेड की। स्कीपर लिमिटेड 24 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा है और मैं आपको बताऊँ कि यह डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन क्षेत्र की मैन्युफैक्चरर और ईपीसी इंस्टॉलेशन कमीशनिंग सारे क्षेत्र में काम करती है। यह बड़े बड़े टेलीकॉम टावर्स, ट्रांसमिशन टावर्स, टेलीकॉम टावर्स और पोल्स वगैरह बनाती है। दोस्तों इसके साथ साथ जो है ये बड़े बड़े ईपीसी प्रोजेक्ट लेती है, पॉलीमर सेक्टर में भी है, उसमें पीवीसी पाइप बनाती है। दोस्तों यह अपने क्षेत्र में इंडिया में लार्जेस्ट कंपनी है और वर्ल्ड में टॉप 10 कंपनी में आती है। दोस्तों एक बहुत बड़ी कंपनी है और आज इसका रेट जो है 24 रुपये के आसपास है। इस पर हम इसका फिनेंशियल्स पैरामीटर देखेंगे कि इस पर कंपनी क्या कहती है, इसका इंडिकेटर क्या कहता है, इसका फाइनेंशियल्स क्या कहता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं कंपनी के आज के डेट के शेयर प्राइस की तो कंपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से भी कम मिल रही है। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब कंपनी का जो ओवरऑल रेट होना चाहिए उससे काफ़ी कम सस्ते पे मिल रही है। जल्दी इंट्रिंसिक वैल्यू पर कंपनी कोई नहीं मिलती है, उसका शेयर नहीं मिलता है। दोस्तों यह लगातार एफडी से अच्छा रिटर्न देने में सक्षम रही है। अब बात करते हैं मार्केट कैप की तो मात्र 247 करोड़ रुपये का मार्केट कैप है और इसका बुक वैल्यू की बात करें तो 63 रुपीज़ जबकि इसका रेट जो है 24 रुपये के आसपास है, मतलब 0.35 के आसपास पीबी इसका है, प्राइस टू बुक रेशियो जो है 0.35 के आसपास है। दोस्तों इसकी फेस वैल्यू की बात करूं तो इसका फेस वैल्यू 1 है और अगर पी की बात करूं तो 7.76 पी पे मिल रहा है। पी के हिसाब से देखूं तो बहुत महंगी कंपनी नहीं है, 7.5 की पीए निवेश के लिए उचित है। दोस्तों 52वीं खाई लो की बात करूं तो इसका 73 रुपये का 52वीं खाई है और 17.10 रुपये का इसका 52वीं लो है। अगर 17 रुपये के हिसाब से करूं तो लगभग 40% अपने 52वीं लो से शेयर प्राइस बढ़ चुका है, लेकिन अगर हाई से बात करूं तो अभी भी 2 गुने रिटर्न होने की संभावना बनी हुई है। दोस्तों डिविडेंड की बात करूं तो कंपनी ने 25 पैसा का डिविडेंड दिया था जो लगभग 1% डिविडेंड यील्ड होता है, जो डिविडेंड के हिसाब से कंपनी अच्छी नहीं है। दोस्तों अगर सेल्स ग्रोथ की बात करूं तो 7.62% 3 साल का इसका ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ है जो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। दोस्तों अगर आरओसी की बात करो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करो तो 12.66 है, वो भी मैं बहुत अच्छा और हैंडसम नहीं मानता हूँ। दोस्तों अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ तो मात्र 4.93 है, उस हिसाब से भी कंपनी अच्छी नहीं दिखती है। अगर इसकी डेट इक्विटी रेशियो की बात करूँ तो इसका डेट इक्विटी रेशियो 0.74 है जो ठीक ठाक कही जा सकती है, लेस देन 1 डेट इक्विटी रेशियो ठीक रहती है, जितना नियर अबाउट 1 से ज़्यादा होगा उतना उसके डिफॉल्ट करने का खतरा रहता है। दोस्तों लॉन्ग टर्म डेट इक्विटी रेशियो मात्र 0.25 है, वो भी बहुत अच्छा कहा जा सकता है। अगर फिनेंशियल ईयर 18 और 19 की बात करूँ, 18-19 में तो इसकी टोटल फुल ईयर की जो सेल्स थी 1870 करोड़ के आसपास थी और प्रॉफिट जो थी 31 करोड़ के आसपास थी, उस हिसाब से 3 रुपया का ईपीएस बनता है जो अच्छा नहीं कहा जा सकता है। सेल्स के हिसाब से तो जो मार्केट कैप है उसके हिसाब से सेल्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रॉफिट ऑफ मार्जिन इसका बहुत ही
कम है। और दिसंबर सेल्स की बात करूं तो 299 करोड़ रुपया का इसका सेल्स है और प्रॉफिट मात्र 4.5 करोड़ रुपया के आसपास है, जो 43 पैसे के आसपास ईपीएस बनता है। दोस्तों 43 पैसे भी अगर मेंटेन करो तो मात्र 2 रुपया इसका ईपीएस बनता है, उसके हिसाब से 12 का PE हो जाता है 24 के हिसाब से। तो अगर मैं इस पर गौर करूँ तो लगातार इसका सेल्स गिर रहा है, लगातार प्रॉफिट गिर रहा है, लगातार प्रॉफिट मार्जिन गिर रहा है, उस हिसाब से कंपनी का शेयर प्राइस भी गिर रहा है। तो उस हिसाब से जो इसकी फिनेंशियल इंडिकेटर हैं वो कहती है कि कंपनी खतरे में है या कंपनी का मैनेजमेंट कहीं प्रेशर में है, लेकिन अंदर की बात कोई नहीं जानता है। हो सकता है वो डेट चुकाने में लगा हो सकता है कि इकोनॉमिक कंडीशन के कारण, स्लो डाउन के कारण उस पर प्रेशर हो। दोस्तों बाकी ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो प्रमोटर की होल्डिंग जो है 71.89% है, जिसमें कोई प्लेज शेयर नहीं है। दोस्तों म्यूचुअल फंड होल्डिंग 4.72 है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग जो है 4.72% है और FII की होल्डिंग जो है 5.55% के आसपास है। दोस्तों इसमें म्यूचुअल फंड ने लगभग 2% शेयर पिछले क्वार्टर में बेच दिया है, DII ने भी 0.4% के आसपास बेचा है और FII ने भी थोड़ा सा शेयर बेचा है। मतलब इंस्टीट्यूशन इसमें लगातार शेयर बेच रहे हैं, यही एक कारण है कि शेयर प्राइस लगातार गिर रहा है। दोस्तों इस हिसाब से भी कंपनी ऐसा लगता है कि कुछ दिक्कत में है, लेकिन दोस्तों यही वक्त होता है जब कंपनी किसी कारण से सस्ती मिलती है तो उसी समय निवेश का मौका होता है। इस शेयर में आप SIP कर सकते हैं, इस शेयर में थोड़ी थोड़ी खरीदना आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि शेयर जो है बहुत ही बढ़िया वैल्यू पे मिल रहा है। लार्जेस्ट कंपनी इंडिया की है और मात्र 250 करोड़ के मार्केट कैप पे आपको मिल रही है, ये अपने आप में बहुत बढ़िया है। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि मेरे वीडियो में बताई गई जानकारी का इस्तेमाल अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए कदापि न करें, क्योंकि यह वीडियो एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आपके एजुकेशन के लिए बनाई गई है। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो दोस्त जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि समय से उनको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, मेरी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके अपने विचारों से अवगत जरूर कराइए। आप लोग ये भी जरूर बताइएगा कि स्कीपर आपको क्या लगता है, ये कितना आगे बढ़ सकता है या यहाँ से कितना गिर सकता है। दोस्तों मेरा हौसला जरूर बढ़ाइएगा और इसी के साथ मैं अंजनी कुमार आप लोगों से विदा लेता हूँ, फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।